बाद की बात है, मतलब वो घटा देंगे, लेकिन पहले ये हमें पता लग जाए कि इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितना है। तो यहाँ पर हम कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वर्मा जी आप भी सॉल्व करिए, हम भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन है जी। परसेंटेज हमारे पास में 62.1% है। इसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज 10.3% अभी आपको बताई, और ऑक्सीजन की 27.6% हो जाएगी जो मैंने कैलकुलेट करी। यानी कि दोनों को आप जोड़िए और जो है उसके बाद 100 में से घटा दीजिए, तो यही वैल्यू आएगी। तो इसको हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, इसको 1 से और इसको 16 से। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 62.1 डिवाइडेड बाई 12, 10.3 डिवाइडेड बाई 1 और 27.6 डिवाइडेड बाई 16। ये लगभग 12 पंजे 60, 5.18 या 17 आएगी। हम 12 पंजे 60 और 12 पंजे 60 बचा 2 डेसिमल लगाया, 12 दूनी 24, 1 गया 12 कम 12 बचा, हाँ लगभग यही 7-8 के आसपास आएगी। चेक करिएगा ये 10.3 है, 8 भी आ सकती है, और ये 16 दूनी 32 ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये 1.78 के आसपास आएगी वैल्यू। इसमें हम लोग मिनिमम वैल्यू इसी को देख रहे हैं, तो 5.17 डिवाइडेड बाई 1.7, 10.3 डिवाइडेड बाई 1.7 और 1.7 डिवाइडेड बाई 1, तो मतलब ये तो 1.7, ये तो 1 ही आ जाएगी। और ये लगभग अगर हम लोग इसे डेढ़ मान लेते हैं, इसे 10 पॉइंट, तो लगभग 6 के आसपास आएगी। तो हम लगभग 6 लिखे दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वैल्यू 17 दूनी 34, 17 51, यानी लगभग 3 के आसपास आ जाएगी। तो हमारा जो इम्पेरिकल फार्मूला निकल के आएगा, इम्पेरिकल फार्मूला C3H6O निकल करके आएगा। और वेपर डेंसिटी जो दे रखी है वो कितनी दी है वो जरा देख लें, वेपर डेंसिटी कितनी दे रखी है, उस हिसाब से फिर कैलकुलेशन करते हैं। वेपर डेंसिटी दे रखी भैया, वेपर डेंसिटी 29 दे रखी है। चलो वेपर डेंसिटी 29 दे रखी है, तो इसी को आगे कार्यक्रम को बढ़ा लेते हैं। तो इम्पेरिकल फार्मूला हमें पता लग गया। अब इम्पेरिकल फार्मूला के बाद आप जानते हैं कि मॉलिकुलर मास और इम्पेरिकल फार्मूला मास दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इम्पेरिकल फार्मूला मास 12 3 36 प्लस 6 प्लस 16, तो ये हो गया 6 6 12 और 6 18 के 8 हासिल में एक, तो 4 हो जाएगा, 1 5 58 आ गया। और अब आप मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर वेट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो ये 29 इंटू 2 इंटू 29, ये भी 58 हो गया। तो एन की वैल्यू जो है इम्पेरिकल फार्मूला मॉलिकुलर मास डिवाइडेड बाई इम्पेरिकल फार्मूला मास, तो ऊपर रखते हैं हम लोग मॉलिकुलर मास, नीचे इम्पेरिकल फार्मूला मास रखते हैं। इम्पेरिकल फार्मूला मास तो 58/58 इज इक्वल टू 1 आ जाता है, तो एन की वैल्यू आपकी 1 हो जाती है। तो मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू हो जाता है एन इंटू इम्पेरिकल फार्मूला, मतलब वही आ जाएगा C3H6O। अब C3H6O कहाँ पर आ रहा है वो हम चेक कर लें, दैट्स ऑल, हमारा काम बन जाएगा। चलिए देखते हैं, बाकी कोई रिएक्शन वाली कंडीशन नहीं है, रिएक्शन वाली कंडीशन होती तो फिर आगे हम बात करते। चलिए अब वो क्या कह रहा है, डेरिवेटिव गिव्स कंटेन, वो बात की बात है, निकाल लेंगे घटा लेंगे बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन कितने, 1 2 3, हाइड्रोजन देखो 4 3 7 कट हो गया, यहाँ 3 और आपके 1 2 3, 3 3 6 हो गए, और कार्बन कार्बन 3 हो गए, C3 हो गया, नहीं 3 और 3 6 और कार्बन, ये भी हो गया C3H6O, ये भी हो गया C3 हो गए, H6 हो गए, O हो गया, एक ये हो गया। दूसरे में देखो 1 2 3, 2 2 4 2 6, ये भी C3H6O हो गया, ये भी हो गया। और अब इसमें देखो ये भी कंपाउंड 2 2 4 और 1 5 6, ये भी C3H6O हो गया, ये तो हुआ नहीं, इसमें कंडीशन अप्लाइड है। अब क्या कह रहा है, एंड रिएक्टेड विद ब्रोमीन टू गिव डेरिवेटिव विच कंटेन इतना
इतना और इतना ब्रोमीन दे रहा है, तो ब्रोमीन का जो डेरिवेटिव है उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा। अब हमारे पास पेच फंस गया, यानी कहने का तात्पर्य अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको एक चीज बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर कि कार्बन की देखो इसकी परसेंटेज गिरी जा करके कितना, यानी कि हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं, एकदम डायरेक्ट परसेंटेज गिरी है यहाँ पर, तो हाइड्रोजन ज्यादा रिप्लेस हुए हैं, मोर हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड। अभी पढ़ा ले, मोर हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड हो गया, तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन कहाँ रिप्लेस हो सकते हैं, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन इसलिए रिप्लेस हो सकते हैं, यहाँ तो एडिशन होगा, डबल बॉन्ड में केवल एडिशन, सब्स्टिट्यूशन यही संभव है, और ये है नहीं एग्जाम्पल, तो सब्स्टिट्यूशन केवल यहीं पर संभव है, OH चले जाए और यहाँ पर BR चढ़ा जाए, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही इसमें संभव होगी। तो सब्स्टिट्यूशन वाली जो कंडीशन हमें दिखाई दे रही है वो हमें एक ही दिखाई दे रही है, वो यहाँ पर OH ही सब्स्टिट्यूट हो सकता है, यहाँ तो एडिशन होगा ही होगा लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूशन भी संभव है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। ये क्ल्यू आपको लेना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा डायरेक्ट, अदरवाइज फिर आप कैलकुलेशन करिए। अगर आप ये हमारा क्ल्यू पर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर आपको फिर दोबारा यहां मोर स्टेबिलिटी से बात नहीं बन रही, मोर स्टेबल होगा तो आपको एक चीज बता दूं वर्मा जी, अगर मोर स्टेबल होगा तो Br2 से रिएक्शन नहीं कराओगे, जबकि जब क्वेश्चन कह रहा है कि Br2 से रिएक्शन कराने पर ये कंपाउंड बन रहा है, तो फिर Br2 रिप्लेस कर रहा होगा ना, और यहाँ रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए ये आप ध्यान दीजिएगा कि हमें इस कंडीशन पर लेना पड़ेगा, ठीक। और दूसरी बात यह है कि हमें रिप्लेसमेंट रिएक्शन से, या फिर दूसरा जो मैं ऑप्शन बोल रहा हूँ कि इनकी फिर दोबारा कैलकुलेशन करिए, या तो फिर ऑप्शन ये है कि इनको दोबारा आप कैलकुलेट करें। जब इनको दोबारा कैलकुलेट करेंगे, ठीक, तो इसका मतलब हुआ कि फिर आंसर आपका मैच कर जाएगा, तो इसलिए ये बात। और फिर दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं स्टेबल है तो कम रिएक्शन करेगा, ये तो बात ठीक है आपकी, मैं सहमत हूँ। वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बताओ क्या ये PGT का है क्वेश्चन? नहीं है, ये किस PGT में आया था मैं आपको बताऊंगा, ये UP PGT में एक बार आया था ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन UP PGT में आया था जी। बताइए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक, शाबाश, आपने आंसर सेकंड वाले का डी दिया है, ठीक। कॉन्जुगेशन अगर आप देखोगे, और हाइपर कॉन्जुगेशन जिसमें ज्यादा हो, तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी कॉन्जुगेशन नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यहां पर दिखाई, यहां पर भी नहीं दिखाई दे रही, यहां कॉन्जुगेशन दिखाई दे रही है। हाँ, ट्रिपोलियम कैटायन भी है, ठीक है ना, बिल्कुल ट्रिपोलियम कैटायन भी दिख रहा है आपको, ठीक, ट्रिपोलियम भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है प्रीति, ट्रिपोलियम भी बोलते हैं, दैट्स राइट। तो इसका मतलब है कि कार्बोकैटायन हमेशा वही ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है जिसके अंदर मोर कॉन्जुगेशन होता है, तो यहां पर मोर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी का कंसेप्ट लगाइएगा, यहां लिख देता हूं मोर कॉन्जुगेशन मोर स्टेबिलिटी, ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो यहां पर अगर आप इलेक्ट्रॉन चेक करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन भी चेक कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहां चेक करो 1, 2, 3, 4, बहुत सुंदर, ठीक, बाकी तो प्रॉपर्टीज हैं ही, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आइए, ये भी क्वेश्चन PGTs में बहुत आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने इस क्वेश्चन को लिया है आपको बता दो DSSSB के एग्जामिनेशन के PYQ से इसको उठाया है, यहाँ पर PYQ से इसको उठाया है, तो ये भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा, इस क्वेश्चन का जवाब कौन देगा जी बताइए। और बाकी लोग जो यहाँ पर लाइन पर हैं वो शायद हमें लग रहा है केवल सुन रहे हैं, मैं जरा एक बार अटेंडेंस आपकी चेक कर दूं कौन कौन मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर लाइन पर, देखता हूँ अनमोल यादव हैं, शिखा हैं, और लुबना, अर्पिता, दिलीप, यशकुल,
सालू, डी के वर्मा, रजनी, मंजू, मनप्रीत, ज्योति, मनु उपाध्याय भी, प्रीति, डी एस तिवारी जी हैं, नॉलेज प्लस इंडिया रविंद्र का नंबर है, ये विनय भी हैं। तो अब जब आप लाइव हैं तो फिर आप बोलते क्यों हैं? अंजनी कुमार भी दिखाई दे रहे हैं, अंजनी कुमारी भी दिखाई दे रही, सॉरी, तो माधुरी कुमारी भी दिखाई दे रही। तो जो लोग लाइव रहेगा, अब जो ये प्रोडक्ट बना ये फिर दोबारा रिएक्शन कर लेगा, तो ये दोबारा रिएक्शन करने का मतलब आर ओ सी एच फ्री रेडिकल बना, और इसका मतलब हुआ इसके बाद क्या करना है, आर डैश ले लीजिए, फिर दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एक क्लोरीन से रिएक्शन करा दीजिए। जैसे क्लोरीन से रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहां पर भी वही होगा, इस एल टू से अटैक कराएंगे तो एक फ्री रेडिकल इससे कंबाइन कर जाएगा, जब एक कंबाइन कर जाएगा तो एक आपका सी एल फ्री रेडिकल खाली हो जाएगा, तो आर ओ सी एच यहाँ सी एल हो जाएगा, यहाँ आर और एक क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाए, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू कंटिन्यू होगा। हमारा आंसर बिल्कुल अप टू द मार्क है, मैंने स्टार्टिंग आपको बता दी कैसे क्या करना है, एंडिंग आप कर ही लेंगे। उसके बाद फिफ्थ वाले पा, हा हा हा, कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना अच्छा क्वेश्चन है। जब आपको फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के ज्ञान हो तो इस ग्राफ का ज्ञान जरूर होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जाम्स, पीजीटी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ हाँ ठीक है, बताइएगा फिफ्थ वाला क्वेश्चन बताइएगा। देखो हम लोग फिफ्थ वाले में डेरिवेशन कर लेते हैं और डेरिवेशन से हमें पता लग जाएगा x अपॉन m इज इक्वल टू k p की पावर 1 अपॉन n होता है। दोनों तरफ लॉग ले तो लॉग x अपॉन m इज इक्वल टू हो जाता है लॉग k प्लस 1 अपॉन n लॉग p, ये वाला फार्मूला हो जाता है। जब ये फार्मूला हो जाएगा तो लॉग x अपॉन m और लॉग यहाँ पर p के टर्म में, और ये आपका स्लोप यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग 1 अपॉन n का जो है वो स्लोप ले लेते हैं, तो और ये वाली कंडीशन हमारी तैयार हो जाएगी। तो जी, तो इस इक्वेशन को आपने ज्योति गुप्ता 5 का डी, बाकी लोगों ने भी 5 के डी को ही ऑप्शन दिया, मनु ने भी, विनय ने भी डी ऑप्शन दिया, सभी ने डी दिया है, मतलब आप सेटिस्फाइड हैं कि ये हमारी जो ग्राफ बनेगी ये गैपिंग के साथ में बनेगी। ये बात ध्यान दीजिएगा, ये गैप जरूर आना चाहिए, वरना तो फिर ये दोनों ग्राफ भी सेम हो जाएंगे। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है इस रिएक्शन के अंदर। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी टिक होगा और यही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन होगा। आंसर बाद में मैच कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन, और ये हमने आरपीएससी से उठाया था क्वेश्चन, आरपीएससी से, ठीक, आरपीएससी से उठाया था क्वेश्चन को, ठीक। और ग्राफ इसलिए नहीं एक्सप्लेन हो पाएंगे क्योंकि ये इसके पैटर्न पर नहीं जा रहे हैं। लॉग एक्स अपॉन एम जो है वो वन अपॉन एम के रिवर्स में नहीं जानी, पहले प्रोडक्ट नहीं बना देगा, लॉग पी प्रेशर बढ़ाएंगे नहीं पहले हम, तो इसलिए ग्राफ काम नहीं करेगा। और इसमें क्या कंडीशन है कि सबसे पहले क्या होता है, एड्सॉर्प्शन कुछ अमाउंट, किसी एड्सॉर्प्शन के प्रोसेस में कुछ अमाउंट एड्सॉर्ब हो चुका होता है विदाउट प्रेशर, कुछ अमाउंट विदाउट प्रेशर, विदाउट प्रेशर सम अमाउंट इज ऑल्सो सम अमाउंट ऑफ गैस, सम अमाउंट ऑफ गैस इंटरसेक्ट, तो वो वही एक्सप्लेन कर रहे हैं, इंटरसेक्ट तो बता ही रहा हूं, वो अमाउंट ऑफ द गैस इज ऑलरेडी ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड, ऑलरेडी एड्सॉर्ब्ड, ठीक है, पहले ही एड्सॉर्ब होगी, इसीलिए आपको इंटरसेप्ट यहां पर दिखाई देगा, ठीक है, इसीलिए ये ग्राफ हमारा राइट होगा। और ये जीरो से चल रहा है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक, वो के की वैल्यू जो आई वो इसीलिए आई है। फिफ्थ वाले का जवाब दीजिएगा, फिफ्थ वाले का जवाब, सिक्स्थ वाले का, कॉपर सल्फेट डॉट फाइव एच टू ओ इज ब्लू इन कलर वाइल सी एस ओ फोर इज कलरलेस बिकॉज, बिकॉज बहुत सुंदर छठा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा है। H2O स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं है, SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये भी नहीं है, कॉपर सल्फेट कैन नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स तो ये तो बनाता है कॉम्प्लेक्स ये भी नहीं है, नो डी टू डी ट्रांजिशन इज पॉसिबल, बताइए, तो नो है ये यहां पर, बताइए
कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर वाइल कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O जो है वो ब्लू कलर में है, तो इसका रीजन समझाइए कोई लोग। देखिए समझिए, मैं आपको बताता हूं। CuSO4 जो है डॉट 5H2O जब बनाएगा तो ये कॉम्प्लेक्स की कंडीशन में चला जाएगा, जबकि केवल CuSO4 जो होता है ये कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता। यानी कहने का तात्पर्य है यहां पर कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होती, नो स्प्लिटिंग, नो स्प्लिटिंग, ये डबल सॉल्ट है, नो स्प्लिटिंग, यहां पर कोई भी स्प्लिटिंग नहीं होगी, ये आपका डबल सॉल्ट होगा, ये आपका डबल सॉल्ट होगा। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि नहीं, डी टू डी ट्रांजिशन की बात ही नहीं, डी टू डी ट्रांजिशन तो संभव ही नहीं, डायमैग्नेटिक तो बाद की बात रही आपकी। ये कॉपर सल्फेट जब बनाएगा तो फिर ये मान लीजिए कि यहां पर स्प्लिटिंग नहीं होगी, क्योंकि ये डबल सॉल्ट की कंडीशन है, ये सिंपल है, डबल सॉल्ट भी नहीं है तो सिंपल कंपाउंड है, डबल भी ना बोलिए इसे, इट इज सिंपल, ये सिंपल सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट है, डबल भी नहीं हम बोल सकते, सिंपल सॉल्ट है, और सिंपल सॉल्ट कभी भी डी टू डी ट्रांजिशन संभव नहीं है, इसलिए ये कलरलेस होता है, केवल कॉपर सल्फेट की बात की है। और जबकि ये वाला जो है ये कॉम्प्लेक्स की कंडीशन में चला जाता है, और यहाँ पर वाटर जो होता है वो लिगेंड की तरह काम करने लगता है ना, वाटर जो होता है वो लिगेंड की तरह काम करने लगता है, सल्फेट आयन भी लिगेंड की तरह काम करने लगता है, ये दोनों लिगेंड बन जाते हैं, इसीलिए वो ब्लू कलर आपको दिखाई दे देता है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सोचने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को जरूर कोशिश किया करिए कि ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन किया करिए। जी क्वेश्चन नंबर आ जाइए नेक्स्ट पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन नेक्स्ट भी है। हम इतने आपको मेहनत के साथ में क्वेश्चन करा रहे हैं कि अगर आप अब भी नहीं कर पाए और अपनी तैयारी नहीं कर पाए तो फिर शायद ही आप कहीं कर पाएंगे। कारण ये है, नीला हाथ थोथा होता है, कहाँ कहाँ थोथा, नीला थोथा, यस वेरी गुड। जी आपने जगमोहन जी क्वेश्चन अच्छा पूछा है। सम टीचर्स टोल्ड दैट वाटर एक्ट्स एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड विद कॉपर इन प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और बहुत ही इसको सराहूंगा मैं, इसे एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं। देखिए मैं आपको यहां बताने की कोशिश ये करूंगा, पहले तो आप समझिए इसका जवाब मैं देता हूं आपको। अगर हम कॉपर डाई पॉजिटिव ले लेते हैं और कॉपर डाई पॉजिटिव का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आएगा आर्गन, और यहां पर 3D9 आ जाएगा और 4S0 आ जाएगा, तो यहां पर आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि जब कॉपर की ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट होती है तो ये ध्यान दीजिए एक्सेस पर चले जाइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक अनपेड रह गया, यानी से हम तोड़ देते हैं, एक ईजी लेवल में तोड़ेंगे और एक तोड़ेंगे आपके T2G लेवल में तोड़ेंगे, 1 2 3 4 5, 4 5 या 6 7 8 और 9, यानी कि पहले एक यहां पर छोड़ दीजिएगा, एक यहां छोड़ दीजिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की कंडीशन में आपको बता रहा हूं, ऐसे हो जाएगा ये। अब इसमें होगा क्या, रुक जाइए, पहले आप इनके क्वेश्चंस का जवाब ले लीजिए फिर आगे बढ़ लेते हैं। इन्होंने पूछा कि सर ऐसा होता क्यों, वाटर जो होता है वो वीक लिगेंड होता है, वीक लिगेंड होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह क्यों काम करने लगता है, ये सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है, समझ लीजिए आगे चलते हैं। देखिए जब भी कॉपर का केस लिया जाता है, नंबर वन कॉपर तो ऑलरेडी एक्सेप्शंस में इसलिए गिना जा रहा है, एक्सेप्शंस में इसलिए गिना जा रहा है कि इसका एक्चुअल कॉन्फिगरेशन तो कॉपर का D9 4S, D9 4S 2
टू होना चाहिए था, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3D, 3D 10 4S 1। ये वो कंडीशन है जहां कॉपर अपने आप को स्टेबलाइज करता है, और जब कॉपर अपने आप को स्टेबलाइज करता है तो फिर एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 4S से 3D में चला जाता है, वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है। लेकिन जो स्टेबिलिटी गेन की जाती है जब वाटर का मॉलिक्यूल इसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो देने की कोशिश करता है, तो आप जानते हो कि वाटर हैज ए टेंडेंसी टू डोनेट टू पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ऑक्सीजन इजी वे में इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करने की टेंडेंसी कॉपर को रखता है, क्योंकि कॉपर वापस अपनी उसी स्टेज में आना चाहता है। दैट्स व्हाई वाटर कैन इजीली डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर वाटर की जगह क्लोरीन होता, तो फ्लोरीन और क्लोरीन की अगर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर देखें तो ज्यादा है, और ऑक्सीजन की थोड़ी सी कम रहती है एज कंपेयर टू फ्लोरीन, तो उस केस में ये इजी वे में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। तो इसीलिए ये कॉपर के लिए स्टेबिलिटी की कंडीशन की बढ़ाने की तरफ चला जाता है। दैट्स व्हाई वाटर इज कंसीडर्ड, वाटर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बट वाटर इज कंसीडर्ड एज ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड इन द केस ऑफ कॉपर डाई पॉजिटिव आयन। दिस इज द रीजन। कंसीडर द फॉलोइंग इक्वेशन, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, इस इक्वेशन को कंसीडर करिए, और इसको जब आप कंसीडर करेंगे तो यहाँ पर एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और जब एलाइलिक हो जाएगा तो मतलब है कि बगल में NBS यानी कि बगल में जुड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग ऐसे जुड़ेंगे, ये ऐसे करते हैं, और यहाँ पर आपको जोड़ना पड़ेगा BR। इज इट क्लियर? फिर इसको MgBr बना दीजिए। जब यहाँ पर जोड़ेंगे आप BR तो फिर यहाँ सिंपल सी बात है कि अब कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पर MgBr मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाली कंडीशन आ जाएगी, ये आ जाएगा यहाँ पर MgBr ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाली कंडीशन। और जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाली कंडीशन आ जाए तो फिर आप इसको जो है CH3CN से करोगे, तो यहाँ पर भाई MgBr है तो कीटोन बना लेता है। अब आप पता ही है कि MgBr के अगर रिएक्शन कराओगे CH3CN से, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करा दोगे तो सिंपल सा कीटोन बनेगा, नीचे तो आप कुछ करा नहीं सकते, तो यहीं पर आप CH3 वाली कंडीशन फॉलो कर लीजिए। तो ये कंडीशन अब आपकी जब फॉलो होगी तो आंसर फिर आपका बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। सी वाला ऑप्शन नहीं होगा भैया, बी वाला होगा, क्योंकि CH3CN के साथ में जब कॉम्बिनेशन होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट का तो वही ऑप्शन आता है, ठीक है। ये आपका ग्रिगनार्ड RMGX की रिएक्शन CH3CN वाली है, RMGX की रिएक्शन CH3CN वाली है, वो वाली रिएक्शन, ठीक। चलो ठीक, शाबाश, वेरी गुड, बहुत सुंदर, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन, दिल छूने वाला क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन आप मान लो कि इंपॉर्टेंट है और आ सकता है एग्जामिनेशन में। जो लोग लाइव सेशन नहीं ले पाते हैं वो लोग कम से कम प्रिपरेशन है, ठीक है। चलिए, जो लोग लाइव सेशन नहीं ले पाते हैं वो कम से कम ऐसे क्वेश्चंस को जरूर करें, इस पर इंपॉर्टेंट लगाइए। और मैं सभी से जानना चाहता हूं कि क्या आप लोग हमारी क्लासेस से संतुष्ट हैं, आपके लिए जो मैं प्रिपरेशन दे रहा हूं उस पर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो हम आपको बता देते हैं कि 25 या 26 नवंबर से हम लोग 25 नहीं तो 26 नवंबर से 100% हम लोगों की प्रैक्टिस टाइम अलग होगी और मेहनत का टाइम अलग होगा। ये दोनों बैचेस हमारे नाइट में भी चलेंगे, थ्योरी महासंग्राम में चलेगी और साथ ही साथ हमारा बैच प्रैक्टिस वाला चलेगा, तो दोनों में बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट होगा। अब मैं बच्चे इसलिए बोल देता हूँ कि भाई पढ़ा ही रहा हूँ, आप पढ़ ही रहे, बाकी तो आप लोग खुद बच्चे वाले हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल पूरी ताकत झोंक दीजिए, और पूरी ताकत झोंकने के साथ कंसंट्रेशन जरूर बनाए रखिए, कंसंट्रेशन जरूर बनाए रखिए एग्जामिनेशन के लिए, है ना। चलिए ठीक है, कल हॉलीडे रहेगी, कल क्लास ऑफ रहेगी, ये बात नोट कर लो, कल क्लास ऑफ रहेगी, मैं अभी बता दे रहा हूँ बार बार मैसेज करने से, कल ऑफ रहेगी, ऑफ रहेगी, ठीक, ये बात आप नोट कर लो कहीं पर अच्छे से। ठीक, डीके वर्मा जी पूरा ध्यान बनाए हुए हैं, आप घबराएं कतई नहीं, उनके ऊपर पूरी महारत चल रही है,
कंसीडर द बिलो गिवन फिगर. अब इसमें हमको द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अबव प्रेजेंटेशन इज, इसमें करेक्ट ऑप्शन हमें क्या दिखाई दे रहा है. तो आप ध्यान दीजिए, इसमें आपने सबने जवाब ए ही दिया है. पढ़ लेते हैं, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अबव प्रेजेंटेशन, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर क्या हो गई, ई वन प्लस ई टू यहाँ पर दिया आपने, ठीक है. एंड प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल, क्योंकि ये ऊपर ही रह गया जबकि प्रोडक्ट नीचे आना चाहिए था. भाई अगर ये नीचे आता तो प्रोडक्ट मोर स्टेबल हो जाता, ये तो लेस स्टेबल हो गया. और यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है वो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाती, ईटी कहलाती. तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन ई वन ई टू एंड द प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल देन द रिएक्टेंट. बिल्कुल राइट ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बहुत सुंदर. यहाँ पर रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है क्योंकि कारण है कि प्रोडक्ट ऊपर है. ये देखो प्रोडक्ट यहाँ बैठा हुआ और रिएक्टेंट यहाँ बैठा हुआ, तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट. बहुत सुंदर क्वेश्चन यार, इसे तो स्क्रीन शॉट खींच के दूसरे मोबाइल से फोटो खींच लो. बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत दमदारी के साथ में ये क्वेश्चन आपके सामने है. तो ऐसे जवाब आपको अच्छे लग रहे होंगे. फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन आप जान लीजिए कि 100% कहाँ से लिया गया है, पहचान पाओगे इस क्वेश्चन को. ऐसा क्वेश्चन आपको याद है, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है. और बायोमोलिक्यूल में याद करो ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था बायो, लेकिन नाम से आया था उस समय. उस समय ये नाम से बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है बीपीएससी में. बीपीएससी में नेम से आया था ये क्वेश्चन, नेम से आया था ये क्वेश्चन से आया आया था ये आप याद करिए. देखो आपने नाम लिया, मैंने खट से बता दिया. पहले वाला जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इस कंपाउंड का नाम अगर आप नोट कर पा रहे हो तो बताओ इसका नाम क्या हो सकता है. द नाइट्रोजन बेस विच इज प्रेजेंट इन आरएनए एंड एब्सेंट इन डीएनए, वो तो यूरेसिल है. आंसर तो इसका यूरेसिल है, लेकिन आंसर यूरेसिल मैच भी तो करना पड़ेगा. तो हम लोग मैच कर लें, बताओ. अच्छा पहला वाला क्या है, पहला वाला एडिनिन दिख रहा है आपको, ये एडिनिन दिख रहा है. दूसरा वाला गुआनिन दिख रहा है, गुआनिन दिख रहा है. पहला वाला एडिनिन है, दूसरा वाला ग्वानिन, स्ट्रक्चर याद कर लीजिए आप. तीसरा वाला कंपाउंड साइटोसिन है, साइटोसिन है. और ये वाला कंपाउंड आपका यूरेसिल है. एक बचा थायमिन, वो भी बना देते हैं. यहां पर थायमिन भी बना देता हूं, एनएच यहां होता, थायमिन इसी से मैच करता है ना, तो इसलिए बिल्कुल ऐसे ही बना दूंगा. ऐसे हो गया. और इसमें एक यहाँ पर सीओ भी रहता है, ठीक. यहाँ पर एक एनएच भी रहता है, सब कुछ रहता है. बस एक यहाँ पर जो सीओ बढ़ा है वो थायमिन में आपको दिखाई देगा. यूरेसिल थायमिन में दोनों में डिफरेंस आपको पता लग जाएगा. ये सेम बिल्कुल डिट्टो बना है. अब यहाँ पर एक सी एस थ्री लगा दो, बस ये थायमिन यूरेसिल में डिफरेंस चलेगा. याद करना पड़ेगा इसको, आपको याद करिए इसे. नाम से आया, नाम से आया तो पहचान लोगे, लेकिन अगर स्ट्रक्चर से आया तो फिर दिक्कत करेगा ये. नाम से आया तो पहचान लोगे, स्ट्रक्चर से आया तो फिर दिक्कत कर जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है. थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए. जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए, 10. क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. अरे भाई क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जी बताएं क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन. जी 10 बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश फिनॉल एंड बेंजोइक एसिड. फिनॉल बेंजोइक एसिड को डिस्टिंग्विश करने के लिए सबसे अच्छा आपको पता होना चाहिए, फिनॉल जो हुक के साथ में ये वायलेट कलर देता है, फिनॉल के साथ में ये वायलेट कलर देता है.
और एफी सी ये फिनॉल के साथ में कौन सा कलर वायलेट देगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में बफ प्रेसिपिटेट देता है, बफ प्रेसिपिटेट देता है। रिएक्शन आपने पढ़ी हो, टॉलेंस के साथ में टेस्ट नहीं देगा, कट कर दीजिए। एक्वस एनिओएच के साथ में टेस्ट नहीं देगा, मोलिस के साथ में भी टेस्ट नहीं देगा। अगर आप इसकी रिएक्शन को भी लिखना चाहते हैं तो फिर आप जानते हैं C6H5OH के तीन मॉलिक्यूल ले लीजिए और इसको आप FeCl3 से जब ट्रीटमेंट कराएंगे तो C6H5O मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ का होल थ्राइस Fe हो जाएगा, इसका कलर वायलेट कलर होता है। बाकी आप 3HCl चाहे 3H पॉजिटिव आयन और 3Cl नेगेटिव लिख दो, चाहे FeCl3 एंड सो ऑन। इसके अगर 6 लेकर के कंबाइन करना चाहूँ तो कुछ किताबों ने 6 से भी कंबाइन की बैलेंस की तो वो भी पॉसिबल है। अगर बेंजोइक एसिड के साथ लिखोगे तो C6H5COOH लेना पड़ेगा, इसके भी तीन ले लीजिए। और यहाँ पर FeCl3 के साथ में जो बफ प्रेसिपिटेट बनेगा वो C6H5COO का होल थ्राइस Fe, ये बफ प्रेसिपिटेट बनता है। बफ मतलब जैसे पानी में बिस्किट घोल देते हैं, दैट इज कॉल्ड बफ, वो बफ कंडीशन कहलाती है। जैसे पानी के अंदर आप बिस्किट घोल दें तो वो बफ कंडीशन कहलाती है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 11th क्वेश्चन आपको मेहनत करके करना पड़ेगा। इसके कैलकुलेशन में थोड़ा समय लगेगा, इस क्वेश्चन को ऐसा करता हूं मैं सॉल्व करके आपको भेजूंगा क्योंकि इसकी कैलकुलेशन लेंदी है, हाँ ना। इसको आप थोड़ा सा मुझे समय दीजिए क्योंकि ये जेलडॉल मेथड वाला क्वेश्चन है और ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैंने सेलेक्ट तो कर लिया लेकिन ये अधिकतर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। ये मैं आपको कैलकुलेट करके भेज दूंगा, क्या इसका आंसर मैच करना पड़ेगा और टाइम अच्छा खासा लेगा। जैसे यहाँ पर हम वही एक्वस एनओएच और केओएच का वेट कर लेंगे हैं, इसकी आने की उम्मीद भी कम है, आने की उम्मीद कम है, टाइम कंज्यूमिंग है। मैंने सेलेक्ट तो कर लिया मॉडल पेपर से, ये दूसरे, ये एक्चुअली में ये जो आपका ओडिशा PGT है वहाँ पर एक बार आया था तो इसलिए वहाँ से मैंने उठाया, लेकिन मुझे लगा कि आएगा नहीं तो दो क्वेश्चन उठाने थे इसलिए एक साथ में आ गया था क्वेश्चन, तो आप इसे लीव कर दीजिए। फिलहाल मैं करके आपको भेज दूंगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं आपके पास, ठीक है। तो इसको आप लीव कर दीजिए, यहाँ पर मैं इसके सॉल्यूशन भेजूंगा आपको। 12th वाले पर चले आइए, 12th वाले पर, इसकी उम्मीद भी कम है। ऐसे क्वेश्चन यूपी में और बीपीएससी में नहीं देखे गए हैं, बीपीएससी में और यूपी में ऐसे क्वेश्चन नहीं देखे हैं फिलहाल। 12th वाले क्वेश्चन पर आइए, 12th वाला क्या कहता है, 12th वाला क्या कहता है जी बताइए। CO2 गैस अलोंग विद सॉलिड Y इज ऑब्टेंड व्हेन सोडियम सॉल्ट X इज हीटेड, ठीक है। कोई भी इसका सोडियम सॉल्ट हीट कर दीजिए तो हीट जब आप करोगे तो CO2 गैस इवॉल्व हो रही, तो इसका मतलब है कि वहां सोडियम का सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है और सोडियम बाइकार्बोनेट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। लेकिन पहले आएगा कौन सा, यही समझने वाली बात है। यही देखो, ये ऑप्शन तो आप कट कर दो, नीचे वाले सी और डी में से ऑप्शन चलेगा, CO2 गैस अलोंग विद सॉलिड वाई, ठीक है, समझना। CO2 गैस अलोंग विद सॉलिड वाई इज ऑब्टेंड व्हेन सोडियम सॉल्ट एक्स इज हीटेड, ठीक। अगर हमने एक्स को हीट किया मतलब NaHCO3 को हमने हीट किया, ठीक। जब हमने इसे हीट किया तो बना होगा, दो ले लीजिए, Na2, ये एक्स हो गया, Na2CO3 और वाटर निकला होगा, ठीक। तो इसका मतलब ये वाई हो गया, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब करना क्या है कि यहां पर हमें ये ध्यान देना है, X is again obtained when CO2 gas is passed into aqueous solution of the Y. जब हम CO2 gas इसमें मिलाते हैं, जब पास करते हैं Y में, तो aqueous solution तो यही हुआ, अभी बस क्वेश्चन करा दें, Na2CO3 लिया हमने प्लस H2O लिखा, H2O लिया और इसमें जब हमने CO2 पास की तो हमें फिर मिल गया NaHCO3, ये मिल गया। तो इसका मतलब है अब हमारे पास में ये हो गया, एंड एक्स इज अगेन ऑब्टेंड, फिर एक्स मिल गया हमें व्हेन CO2 इज पास्ड इनटू द एक्वस सॉल्यूशन एक्स एंड वाई। तो इस समय फिर अब एक्स ये बन जाएगा और वाई ये बन जाएगा, तो मीनिंग क्या हुआ, आंसर हमारा ये और ये होगा, जो हमारा डी से मैच कर रहा है, जो हमारा डी से मैच कर रहा है,
ठीक है ना, पढ़िए क्वेश्चन को एक बार, पढ़िए समझिए, डी ही राइट होगा। लग रहा था ना सी होगा, लेकिन सी ऑप्शन राइट नहीं होगा, डी ही होगा। एक बार पढ़ लीजिएगा, और आपको बार बार रिपीट करके पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। इस कंडीशन से चलना है हमें, वैन से क्वेश्चन शुरू हुआ है यहीं। चले आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं। वो तो बनेगा CO2, ठीक है। थर्टीन वाला जवाब दीजिए, 13 वाला सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए इसको तो है सिलेबस में और इम्पोर्टेंट भी है, ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं इसे डायरेक्ट। EA/2.303R इज इक्वल टू हो जाएगा 2000, यही होता है ना, ठीक। ये टी से टी हम लोग कैंसिल कर चुके हैं तो डायरेक्ट हमने लिख दिया। अब आप ई इज इक्वल टू, जो आप NCERT को याद करिएगा, NCERT को याद करिए, ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2.303 इंटू आपका 2000 हो ही जाएगा। और आर की वैल्यू यहाँ पर रखनी है आपको, कैलोरी में रखिएगा तो कैलोरी में तो आपकी 2 हो जाती है, और किलो कैलोरी में 0.002 हो जाएगी, किलो कैलोरी में रख लीजिएगा, ठीक। रुक जाइए, सेलेक्ट कर लें मंजीत, एक मिनट तसल्ली कर लो थोड़ी सी। इसके बाद हम ईए निकाल देते हैं, ईए की कैलकुलेशन कितनी आएगी वो हम लोग देखते हैं, देखते एक बार कैलकुलेट कर लें कितनी आ रही ईए की कैलकुलेशन। ईए की कैलकुलेशन आ रही 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2000 रखना पड़ेगा, सॉरी हमने यहाँ पर ये कर दिया, 2000 रख लीजिए मल्टीप्लाइड बाई 0.002, तो ये आपकी वैल्यू लगभग 9.2, लगभग क्या 9.212 आ रही है, तो 9.212 ये आपकी किलो कैलोरी में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब सेकेंड वाला ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो आपका ये भी बिल्कुल राइट है। तो सिंपल सी बात ये है कि हमारा 1 और 2 ये दोनों ऑप्शन हमारे राइट है, तो बी हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर बी सेलेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन इज राइट। चेक करिए आप लोग भी, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में बी ऑप्शन हमें राइट, क्योंकि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी आपको यहाँ पर 10^-5 दिख रहा है, तो ये लिखा हुआ, इसको अगर हम लिखोगे तो 10^-5 के टर्म में लिखा जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। 14 पर चले आइए, 14 पर चले आइए। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा और इजी, ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो आप इस पे जब NaNO2 बनाओगे तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा यहाँ पर, ये आप बाल सीमेन रिएक्शन, ये तो आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बता ही दोगे कि सर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, सिंपल आप मुझे बताओगे कि सर ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और इसका अगर बाल सीमेन रिएक्शन करा दो, है ना, HBF2 BF4 लेना चाहिए, 2 लिख दिया है, HBF4 लेना पड़ेगा, यहाँ पर आप फ्लोरोबेंजीन बना लेंगे, तो इसका प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, 14 वाले का जवाब। यहां देखो क्या है कि आपने पूछा कि सर सी क्यों रॉन्ग है, बोथ सेकेंड एंड ये वाला ऑप्शन सी क्यों रॉन्ग हुआ, वेरिएशन ऑफ द लॉग विद 1/T, वेरिएशन ऑफ द इज लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है, लीनियर का मतलब होता है कि सीधा चले, लीनियर नहीं मिलता है ग्राफ। चलिए यहां पर आ जाते हैं हम लोग, चलें 10 मिनट, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा और साथ में फ्लोरोबेंजीन बनेगा जी। 15वें क्वेश्चन पर आइए, 15वां क्वेश्चन कह रहा है द बेसिक स्ट्रेंथ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये यू, ये आपका हर कंपटीशन में मिलेगा, BPSC में भी मिलेगा, UP में भी मिलेगा, ये मतलब ये भी नकार नहीं सकते कहीं भी, RPSC में भी देखा है मैंने, 4-5 जगह मैंने देखा है जी। 15 पर आ जाइए, इसको 15 पर बताइए,
यहाँ से यहाँ तक एक, यहाँ से यहाँ तक एक, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है एसिडिक सबसे ज़्यादा यही होता है ना एसिटाइलिन, तो बेसिक ये हो जाएगा, बिल्कुल सही एसिडिक, ये एसिडिक ऑर्डर तो आपको याद है ना, एसिडिक ऑर्डर तो आपको याद होगा, ये एसिडिक ऑर्डर होता है, दिस इज एसिडिक ऑर्डर, ये एसिडिक ऑर्डर है, ठीक जी, ठीक है, ए बेसिक ऑर्डर पूछा है ना, तो बेसिक ऑर्डर उसका उल्टा होगा ना, बेसिक ऑर्डर उल्टा होगा, वीक बेस, जब एसिड अच्छा है तो ये वीक बेस होगा ना, एसिड अच्छा है तो वीक बेस होगा, वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, इसका कॉन्जुगेट बेस, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होता है, दो तीन क्वेश्चन इसमें एक्स्ट्रा लग गए हैं वो हम करेंगे नहीं, 16 वाले पर चले आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कंटेन्स ओनली एडिशन पॉलीमर, किसमें केवल एडिशन है, जी विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंटेन्स ओनली एडिशन पॉलीमर, साफ दिख रहा है कि पॉलीथीन पीबीसी टेफ्लॉन ये एडिशन पॉलीमर के एग्जांपल है, ठीक है जी, चलिए इसके बाद 17 पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, 17 क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, वी हैव थ्री एक्वा सॉल्यूशन NaCl, एक के NaCl है ए बी सी डी, NaCl की कंसंट्रेशन ये है ये है ये है, कंसंट्रेशन बदल गई, मतलब ए की कंसंट्रेशन 0.1, बी की कंसंट्रेशन 0.01, सी की कंसंट्रेशन 0.001, तीन की कंसंट्रेशन है, अब यहां पर कह रहा था वैल्यू वेंटा फैक्टर, आहा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, दमदारी के साथ में आप रिप्रेजेंटेशन देंगे, कंसंट्रेशन से उसके आयन पे फर्क नहीं पड़ेगा, Na पॉजिटिव आयन ही बनेगा और Cl नेगेटिव आयन, डाइल्यूशन से उसके आयन तो वही रहेंगे ना, ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट ही तो होंगे, तो इसका मतलब है कि NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, अगर हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को देखें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी उसकी कंडक्टेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सिंपल सी बात यह है कि यहां पर याद रखना पड़ेगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंसंट्रेशन से कोई मतलब, हाँ अगर वीक होता तो फिर आंसर अलग हो जाता, अगर वीक होता तो आंसर अलग हो जाता, फिर उस समय जितना डाइल्यूशन करोगे उतने आयन का फॉर्मेशन होगा, मतलब फिर सी बी ए हो जाता आंसर, सी बी ए आंसर हो जाता, लेकिन इस समय ठीक है जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, 18 वाला क्वेश्चन बताइए, 18 वाला क्वेश्चन बताइए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बाकी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, अब आप देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, रेने निकल डाला, रेने निकल डाला हमने, और जैसे ही हमने रेने निकल डाला तो प्रोडक्ट यहां पर क्या बनेगा, तो आप देखिएगा इसकी रिएक्शन अगर आपको पता है तो आप बहुत ध्यान दीजिए, मैकेनिज्म के साथ में एक्सप्लेन कर देंगे इस रिएक्शन को, रेने निकल के साथ में बनेगा प्रोडक्ट, देखिए क्या बनाते हैं हम लोग, जरा इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन, और देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसे ध्यान दीजिए, यही वाला प्रोडक्ट है, पहली स्टेप जब चलेगी तो यहाँ पर H हो जाएगा और ये वाला आपका NH2 हो जाएगा, तो रिंग हमारा इस तरीके से बनेगा, एक दो तीन, यानी एक दो यहां पर आइए तीन, और ये बन जाएगा NH2 और यहां पर आपका आ गया OH, अब इसको आप हाइड्रोलाइज करा लीजिए, यानी कि ये जो प्रोडक्ट बनाया रेने निकल जब डालते हैं तो इसमें से तुरंत वाटर निकल जाएगा, वाटर निकलने का मतलब है OH यहां से जाएगा
और एच यहां से जाएगा, तो ये प्रोडक्ट हमारा ये वाला मिलेगा। ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नाइनटीन वाले क्वेश्चन पर चले आइए। नाइनटीन वाला आप सॉल्व करेंगे और मोलर मास एच बी आर का क्या होगा ये देखते हैं। चलिए बताइए, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 19 वाले में एच बी आर है ना, तो एच बी आर को तोड़ दीजिए, तो आपकी जो तोड़ते हैं एच बी आर को, एच बी आर आप तोड़ते हैं तो पॉसिबिलिटी है एच पॉजिटिव आयन और बी आर नेगेटिव आयन बनने की। ठीक, एक तो ये बनेगा, तो यहाँ पर आपकी वही बन हो गया, यहाँ पर अल्फा, ये भी अल्फा बनेगा। ठीक, और इसमें से एक अल्फा घटाओ तो वन माइनस अल्फा, तो वन माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, एक काट दो, वन प्लस अल्फा आगे आपका ये। ठीक, तो अब आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आई की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी हो जाए, आई इज इक्वल टू हो जाएगा वन प्लस अल्फा, और अल्फा की वैल्यू दे रखी है आपकी, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 8.1 ग्राम एच बी आर इन वाटर अज्यूमिंग 90%, तो 90% का मतलब 90/100 कर दीजिए, तो ये हो गया 1.9। ठीक, तो अब के डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, फार्मूला लगा दीजिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू आई हो जाता है इंटू डब्लू टू अपॉन एम टू इंटू डब्लू वन का फार्मूला आप इसमें लगा करके 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वैल्यूज में बता दे रहा हूँ आपको, 1.86 आ जाएगा, आई की वैल्यू 1.9 हो जाएगी, और डब्लू टू कितना दिया है, डब्लू टू 8.1 दिया है, और मोलर मास 81 होता ही है, दिया ही है, इसीलिए दिया सरल हो जाए, और डब्लू वन की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 100 ग्राम वाटर दिया है, और ऊपर आप डब्लू टू एम टू 1000 से मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, तो ये दो कटे, ये दो कटे, और आपका एक जीरो गया तो ये भी कट गया, 81 से 81 कट गया, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से, जरा एक मिनट रुक जाइए, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई 1.86 और 1.9 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 1.9, तो ये आ गया आपका 3.5 आ गया। ठीक है, तो ये 3.5 हम लोग लिख लेते हैं, तो ये आ गया 3.5, तो इसका जो आंसर आना चाहिए वो अभी 3.5 डायरेक्ट ना लिख दीजिएगा, डेल्टा टी एफ आया है ना, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है टी एफ माइनस टी एफ नॉट, टी एफ नॉट माइनस टी एफ होता है, और टी एफ नॉट की वैल्यू आपको पता है जीरो रखेंगे और ये वैल्यू आप माइनस में रखेंगे, तो फिर आंसर हमारा माइनस में ही ये सेलेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, डिग्री सेल्सियस में भी कैलकुलेशन